दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र राजवंशी एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पासिव सोसाइटी ऑफ इंडिया पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर अनुमान लगा ही लिया होगा कि वीडियो किस विषय पर होने वाली है, सीतापुर का इतिहास। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सीतापुर जिले के इतिहास के बारे में। आखिर क्या है इस जिले का इतिहास, क्या है इस जिले की खूबसूरती और क्यों यह जिला इतना प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो सीतापुर की आधिकारिक वेबसाइट है सीतापुर.nic.in पर लेकर चलूंगा, जिसके अनुसार जो वर्तमान में जानकारी दी गई है, मैं आप लोगों को उसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जो सीतापुर की जनसंख्या है लगभग 45 लाख के आसपास है। यहाँ पर हिंदी, उर्दू और अवधी भाषा बोली जाती है। सीतापुर में 7 तहसील, 19 ब्लॉक और 27 पुलिस स्टेशन है। तो दोस्तों, यह तो जानकारी हुई सीतापुर की आधिकारिक वेबसाइट के हवाले से। अब हम बात करेंगे सीतापुर जिले के इतिहास के बारे में, इसकी ऐतिहासिकता के बारे में, क्या रहा इसका इतिहास, और साथ ही हम दोस्तों बात करेंगे सीतापुर जिले की धार्मिकता के बारे में, यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में। मैं आप लोगों को मौखिक स्टोरी बताऊंगा और साथ ही साक्ष्य दिखाने की कोशिश भी करूंगा। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें और हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है, जिसे आज हम वर्तमान में सीतापुर के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है, उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्राचीनतम नाम छितियापुर था। छितियापुर, जिसे पासी राजा छिता पासी जी ने बसाया था, उन्हीं के नाम से इसका नाम छितियापुर पड़ा था। और जो पासी राजा छिता पासी जी थे, वो 12वीं सदी के राजा थे, जो कि उस समय के कन्नौज के राजपूती राजा जयचंद के समकालीन थे। दोस्तों, अवध गजेटियर के रिकॉर्डों के साक्ष्यों के अनुसार ऐसा पाया गया है कि 11वीं-12वीं सदी में पासी अवध में बहुत ही शक्तिशाली थे, यहाँ के शासक थे और उनके कई राजा महाराजा थे, जैसे कि लखनऊ बिजनौर के राजा बिजली पासी, उन्नाव के राजा सातन पासी। तो दोस्तों, जो छितियापुर था, एक बहुत ही समृद्धि, हरियाली और खुशहाली से परिपूर्ण राज्य क्षेत्र था, जहाँ के शासक छिता पासी जी थे। और छितियापुर की हरियाली खुशहाली देखकर जो राजा जयचंद थे, उनसे जल उठे और उन्होंने छिता पासी जी को प्रस्ताव भेजा कि वह उनकी अधीनता स्वीकार करें, अर्थात उनको कर दें। लेकिन पासी राजा इतने जिद्दी और अटी स्वभाव के होते थे, वे किसी भी कीमत पर किसी की भी अधीनता स्वीकार करना पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते उन्होंने राजा जयचंद के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे कल्पित होकर राजा जयचंद महोबा से निष्कासित आला उदल से संधि करते हैं और उनके बीच संधि यह होती है कि राजा छिता पासी जी को किसी भी तरह पराजित किया जाए, अर्थात उनको मार दिया जाए। फिर अचानक इसी के चलते राजा जयचंद और आला उदल मिलकर छितियापुर में राजा छिता पासी जी पर आक्रमण कर देते हैं, जो युद्ध लगभग 2 महीने तक चलता है। फिर भी उस युद्ध में राजा जयचंद छिता पासी जी को हराने में असहाय और असमर्थ सा महसूस करते हैं। तत्पश्चात वो एक षड्यंत्र को अंजाम देते हैं, एक साजिश को अंजाम देते हैं, और षड्यंत्र ये होता है कि जो आला उदल होते हैं, उनको सैन्य भेष में राजा जयचंद छिता पासी जी के महल में अर्धरात्रि को भेजते हैं। और जब राजा छिता पासी जी अपने शयन कक्ष में सो रहे होते हैं, आला उदल सैन्य भेष में प्रवेश कर उनके सोते समय हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने जाना, किस तरह राजा छिता पासी जी छल बल कपट की इस लड़ाई में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। और दोस्तों, सीतापुर में पासी बाहुल्य हैं, यहाँ पर उनका अच्छा खासा शासन रहा है। सीतापुर में पासी शासित क्षेत्र महोली, मितोली, मिश्रिक, बिसवा, हरिगांव, लहरपुर, दोस्तों ये पासी शासित क्षेत्र हैं सीतापुर जिले में। तो दोस्तों, अब आते हैं छितियापुर से सीतापुर, कि छितियापुर से इसको सीतापुर कैसे बोला गया, अर्थात ये छितियापुर से सीतापुर कैसे बना। तो दोस्तों, साक्ष्य के अनुसार ऐसा पाया गया है, कालांतर में जब अवध में ब्रिटिश आए, तो उन्होंने अपना एक प्रशासनिक व्यवसायिक मुख्यालय बनाया था मल्लापुर को, लेकिन मल्लापुर में हो रही प्राकृतिक आपदाओं से तंग आकर उन्होंने अपना यह मुख्यालय छितियापुर में स्थानांतरित कर दिया। और जब छितियापुर एक प्रशासनिक व्यवसायिक मुख्यालय बना ब्रिटिशों का, तो उन्हीं के समय काल में उसको सीतापुर बोला गया, अर्थात उन्हीं के समय काल में इसको सीतापुर के नाम से जाना जाने लगा, या फिर सीतापुर बोला गया। और दोस्तों, एक किंवदंती के अनुसार ऐसा भी पाया गया है, लोग ऐसा भी मानते हैं, जो प्रभु श्री राम जी थे, जो उनकी पत्नी माता सीता रानी थी, उनके नाम से इसका नाम सीतापुर पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने जाना छितियापुर के राजा छिता पासी जी के बारे में और ये छितियापुर से सीतापुर कैसे बना इसके बारे में, अब हम बात करेंगे सीतापुर की धार्मिकता के बारे में, यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में। यदि मैं धार्मिकता की बात करूँ, तो दोस्तों सीतापुर जिला जो है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य हैं
और अन्य समुदायों के लोग भी पाए जाते हैं, जिनमें परस्पर निरंतर एकता दिखाई देती है, जो कि सीतापुर की एक विशेषता को दर्शाते हैं। और दोस्तों, यदि हम बात करें सीतापुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में, तो यहाँ पर इस्लामिक प्रमुख धार्मिक स्थल जो है, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहूँगा। खैराबाद में बड़े हजरत मखदूम जी की दरगाह है, जो कि प्रमुख इस्लामिक धार्मिक स्थल है। और यदि मैं बात करूँ सनातनी हिंदू धर्म की धार्मिक स्थलों के बारे में, तो दोस्तों सीतापुर जिले में बहुत ही सनातनी हिंदू धार्मिक स्थल हैं, जिनकी इस वीडियो में एक साथ बता पाना इम्पॉसिबल है। मैं आप लोगों को प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, सीतापुर के मिश्रिख में महर्षि दधीची के नाम से दधीची कुंड है, जो कि प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। और दोस्तों, उससे भी प्रमुख सीतापुर में नैमिषारण्य धाम है। दोस्तों, इस धाम को लेकर ऐसा माना जाता है कि यदि आप पंचधाम यात्रा अर्थात पांच धामों की यात्राओं पर निकले हैं और आपने नैमिषारण्य धाम की यात्रा नहीं की, तो आपकी वह यात्रा अधूरी है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने जाना सीतापुर की धार्मिकता के बारे में, यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में, अब मैं आप लोगों को सीतापुर के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ देना चाहूँगा। दोस्तों, जो सीतापुर जिला है एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं गन्ना, गेहूँ और चावल। दोस्तों, और अन्य जानकारी अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो सीतापुर में गन्ना मिलें हैं, रामगढ़ मिल है, डालमिया मिल है और सीतापुर में एक प्रमुख हॉस्पिटल है आई हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप लोगों को सीतापुर के बारे में पहले से ये रोचक तथ्य पता था? दोस्तों, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो राजा छीतापासी जी हैं, उनका किला सीतापुर में मौजूद है, जो कि उच्च रखरखाव ना होने के कारण, उच्च रखरखाव के अभाव में एक अवशेष के रूप में उपस्थित है या फिर एक अवशेष के रूप में बचा है। आप लोग जाकर उस पर विजिट कर सकते हैं सीतापुर में। और दोस्तों, यह जो किला है सीतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री के पास है और ये लखनऊ सीतापुर हाईवे पर मौजूद है। और दोस्तों, यह जो इतिहास के साक्ष्य हैं मैंने द पासी लैंडलॉर्ड से जुटाए हैं। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इतिहास को लेकर या फिर कम्युनिटी को लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो द पासी लैंडलॉर्ड से संपर्क कीजिए और उनके ऑफिशियल चैनल द पासी लैंडलॉर्ड को जाकर सब्सक्राइब कीजिए।